गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का 11th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से हमारे पास एग्जाम में 1-1 मार्क्स के आएंगे। तो मींस एमसीक्यू फिलअप्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की संभावना इनसे रहती है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 10। यानी क्वेश्चन 1 से 10 तक में हमने क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं, और उसकी पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में समझाया फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना, तो ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है इसका, मैक्सिमम डेरिवेटिव है दो बार, तो ऑर्डर है 2। और डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, डिग्री इसकी पावर 1 है स्टूडेंट्स, तो डिग्री है हमारे पास 1। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्या करें, ये 2/3 है तो क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स, यहाँ से 1/3 हट जाएगा, क्यूब हट, यानी क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब की स्केयर बच जाएगा, ये क्यूब करेंगे और इस साइड में एक्स की क्यूब का स्केयर, यानी एक्स की क्यूब का स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर कितना है, 3 बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर है हमारे पास 3। और डिग्री कितना है स्टूडेंट्स इसकी, डिग्री है हमारे पास 2। थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है तो 2, और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिग्री हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, दैट इज 2। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर और डिग्री निकालना, तो एक ही बार डेरिवेटिव कर रखा है तो हमारे पास ऑर्डर है 1 और डिग्री 2 हो जाएगी, क्योंकि एक बार यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 2 है, तो यानी फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 1 है और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2। अब फिफ्थ क्वेश्चन में ऑर्डर कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर है हमारे पास 2 और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी है 2, तो डिग्री है हमारे पास 2। और सिक्स क्वेश्चन में ऑर्डर सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार, तो 2 बार, यानी ऑर्डर है हमारे पास 2 और डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो डिग्री भी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स में, 2। सेवन्थ क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2, तो ऑर्डर है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और डिग्री, स्टूडेंट्स डिग्री निकालने के लिए स्केयर रूट है, जब हम स्केयर रूट को हटाने के लिए हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ऑर्डर 2 है तो डिग्री भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एट्थ में ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑर्डर है हमारे पास 2 हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव, और डिग्री भी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, डिग्री भी हमारे पास 2 है। अब स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन है, उसने कहा राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स हम, तो किस तरह से होगा इसका, 3 नीचे उतरेगा, डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, फिर यू की पावर एन का फार्मूला लग गया स्टूडेंट्स, ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर है हमारे पास 2 और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिग्री है 1। तो और सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, तो सम कितना आएगा, 2+1, तो टोटल कितना आया, 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, 2 है, डिग्री 3 है, वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो ऑर्डर हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3। तो सम कितना आएगा स्टूडेंट्स ऑर्डर और डिग्री का, 2+3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5। 11th क्वेश्चन, m and n are the ऑर्डर एंड डिग्री, यानी m ऑर्डर है और n डिग्री है रिस्पेक्टिवली, तो हमें निकालना है m+n, इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट, m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे m इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है तो 2 है, और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, यानी n की वैल्यू कितनी है, 2, यानी ये ऑर्डर है m और ये डिग्री है, डिग्री n, तो m प्लस एन निकालना है, तो m प्लस एन 2+2, तो ये आया 4। उसे का फाइंड दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्र वेयर सी दी कॉन्स्टेंट। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने, तो कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा,
तो कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए एक कॉन्स्टेंट तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे स्टूडेंट, पहला ऐसे कैसे दूसरे का डाटी प्लस दूसरा ऐसे कैसे एक्स का डाटी 1 और सी का 0। तो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फॉर द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 CX वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। अगर सी कॉन्स्टेंट है तो इस कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2x और वाई स्केयर का 2y, वाई का dy बटे dx और 2 CX का 2C, तो 2C की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, पुट इन 1, ये 1 है, पुट इन 1, तो हमें एलिमिनेट करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, 2C की वैल्यू हमारे पास आई 2x प्लस 2y dy बाई dx और इनटू क्या है स्टूडेंट्स एक्स, 2C इंटू एक्स, तो इंटू एक्स, तो दिस आर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आ जाएगा 2x² प्लस 2xy dy बटे dx, तो एक्स स्केयर वाई स्केयर उस साइड में चलेंगे तो 2x² माइनस एक्स स्केयर बच जाएगा माइनस का वाई स्केयर प्लस 2xy dy बटे dx इक्वल टू 0। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। तो ए और बी यहाँ दो कॉन्स्टेंट, तो दो बार डायरेवेटिव करेंगे, पहला डायरेटिव डी वाई बटे डी एक्स, ए एज इट इज साइन एक्स प्लस बी का कोस एक्स प्लस बी, फिर दूसरी बार डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर, तो ए एज इट इज कोस एक्स प्लस बी का माइनस साइन एक्स प्लस बी। और स्टूडेंट्स हमें पता है ये सारा किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है, तो डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स, वाई प्लस सी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो सी को एलिमिनेट करना हमने, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सी साइन एक्स का कोस एक्स और इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फ्रॉम ये 1 है, फ्रॉम 1 हम सी साइन एक्स किसके इक्वल है वाई के, तो सी इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी की वैल्यू वाई अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मीन्स ये आई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 0। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन हैविंग वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्केयर प्लस ए कोस इनवर्स एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ए और बी दो कॉन्स्टेंट हैं तो दोनों को एलिमिनेट करें तो दो बार डायरेवेटिव करेंगे, तो 2 sin inverse x और साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए एज इट इज कोस इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, तो बी का 0 हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम होकर के, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin inverse x प्लस ए। अब एक बार और डेरिवेटिव करना है क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर एज इट इज डी वाई बटे डी एक्स का डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे कैसे रूट यू का 1/2 √u 2 √1 - x² और 1 का 0 - x² का -2x और यहाँ पे 2 और sin inverse x का √1 - x² और a का हो गया 0। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - x² यहाँ से एलसीएम हो गया, 1 - x² एलसीएम हो गया स्केयर रूट में, तो यहाँ पे इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्केयर रूट हट जाएगा, 1 - x² का स्केयर रूट हट गया और यहाँ पे डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर और यहाँ बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स डी वाई बटे डी एक्स और इज इक्वल 2 अपॉन √1 - x², तो इससे एक आंसर दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कर्व वाई स्केयर इज 4ax वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, 4ax तो ए क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है,
एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक ही कांस्टेंट है, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, एक ही कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्केयर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स, 4a डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4a की वैल्यू यहाँ पे रखें तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 2y dy बाई डी एक्स इन टू एक्स, तो x यहाँ आ गया स्टूडेंट्स, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। जनरल सोल्यूशन में कितने कॉन्स्टेंट हो गए अगर उसका कौन से ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर की है। जनरल सोल्यूशन में हमारे पास फोर्थ ऑर्डर के जितना ऑर्डर है उतने ही कॉन्स्टेंट हो गए, यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट हमारे पास ये होंगे 4। और 19 में स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट को रिमूव कर देता है तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, तो मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होंगे 0, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकलता है जब कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है 0। 20th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज C1e की पावर x C2e की पावर -x जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट C1 और C2, तो दोनों को एलिमिनेट करेंगे, y का dy बटे dx डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे C1 एज इट इज e की पावर x का e की पावर x प्लस C2 एज इट इज e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1, तो यहाँ आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आ जाएगा d²y/dx², और यहाँ पे C1 एज इट इज e की पावर x माइनस C2 एज इट इज e की पावर -x है e की पावर -x और -x का -1, तो ये देखिए स्टूडेंट सेम आ गई हमारे पास, ये देखिए सेम है y, तो यानी d²y/dx² इज इक्वल टू y, दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसने कहा है, अब स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, तो dy/dx हमारे पास आएगा 1, और d²y/dx² कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, सपोज d²y/dx², मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज माइनस का x² dy/dx लिख लिया प्लस xy, देखिए स्टूडेंट इक्वल टू 0, आप देखिए d²y/dx² की वैल्यू तो 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस x² dy/dx की वैल्यू 1 है, x² × 1, और x प्लस x × y की वैल्यू किसकी कुल है, x की कुल है, तो x² ये देखिए ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 22nd, शो दैट y इज इक्वल टू cos x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू cos x, तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू हमें cos x दे रखा है, तो y इज इक्वल टू cos x, तो dy/dx निकालें तो आएगा -sin x। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको मैं इस साइड में लेके आऊँ तो dy/dx प्लस sin x इज इक्वल टू 0 आ गया, सो y इज इक्वल टू cos x इज द सॉल्यूशन ऑफ, हैंस प्रूव्ड, ये इसका सॉल्यूशन, देखिए इसको डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास यही मिला, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर -3x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फंक्शन इसका सोल्यूशन है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे dy/dx निकालते हैं, y क्या है हमारे पास e की पावर -3x, तो dy/dx आएगा e की पावर -3x और 3x का -3, तो d²y/dx² निकालते हैं वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3e की पावर -3x और -3x -3, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, d²y/dx² प्लस dy/dx -6y = 0, तो d²y/dx की वैल्यू 9e की पावर -3x प्लस dy/dx वैल्यू -3e की पावर -3x -6 × y की वैल्यू, y की वैल्यू e की पावर -3x, तो स्टूडेंट -6 और -3 -9 और 9e की पावर -3x -9e की पावर -3x, तो इससे कैंसिल इज इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव्ड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है। अब कहता है शो दैट ये इसका सॉल्यूशन है,
तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ई की पावर माइनस एक्स है, ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस वन, और ए एक्स प्लस बी का ए। तो डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर निकालते हैं, तो डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर आएगा हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का माइनस वन प्लस वन, और ए का हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो ई की पावर ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, और ये ई की पावर माइनस एक्स है ये नीचे आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वन। तो ई की पावर माइनस एक्स ऊपर जा करके माइनस एक्स ऊपर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, डी स्केयर वाई बटे डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन। दिस वी हैड टू प्रूव, तो इट मीन्स दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। तो यही आई है ना स्टूडेंट्स, जब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड भी, पावर ऐड है तो बेस सेम कर सकते हैं हम। तो डी वाई अपॉन ई की पावर वाई कर दिया, वाई अपॉन ई की पावर वाई आ गया, और डी एक्स ऊपर चला ई की पावर है, तो वेरिएबल सेपरेट कर लिया, ओन सेपरेटिंग वेरिएबल, ओन सेपरेटिंग वेरिएबल। तो ई की पावर वाई ऊपर जाके ई की पावर माइनस वाई, और ये ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करें स्टूडेंट्स, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेट ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन, और ई की पावर एक्स इंटीग्रेट ई की पावर एक्स प्लस सी। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यानी ये आया ई की पावर वन अपॉन ई की पावर वाई यहाँ से, और इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स स्केयर डी वाई इज इक्वल टू टू डी एक्स, तो एक्स स्केयर डिवाइड में आ जाए डी वाई इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स स्केयर डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो गए स्टूडेंट्स। तो अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डी वाई का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे टू इंटू एक्स पार माइनस टू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और डी वाई के इंटीग्रेट वाई और टू ई की एक्स पार माइनस टू का एक्स पार माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी। तो वाई इज इक्वल टू यानी माइनस टू अपॉन एक्स पार माइनस वन नीचे आके एक्स पार वन प्लस सी। तो यहाँ से आया एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस सी। अब स्टूडेंट्स इसको करते हैं, स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम y को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई आ गया, तो x को डिवाइड में डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे वन बाई वाई का इंटीग्रेशन। तो वन बाई एक्स का लॉग एक्स, और वन बाई वाई का लॉग वाई, और कॉन्स्टेंट को भी हम किस में लेंगे, लॉग में, लॉग सी। तो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी वाई, एम लॉग एम प्लस एन, लॉग एन एम एन, तो लॉग से लॉग कंपेयर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू सी वाई। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी ये किस तरह की है, यानी डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई। तो पी पी इज इक्वल टू टू है, और क्या कितना है, ई की पावर थ्री एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट्स, ई की पावर में टू का इंटीग्रेशन, तो आया ई की पावर टू एक्स। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर टू एक्स, क्या इंटू ई की पावर थ्री एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स, जो आया इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो स्टूडेंट्स वाई इंटू ई की पावर टू एक्स, और यहाँ पे ई की पावर फाइव एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे y इंटू ई की पावर टू एक्स, और e की पावर फाइव एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर फाइव एक्स अपॉन फाइव प्लस सी। 29th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, डी वाई यहाँ पे इसको वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, अपॉन e की पावर माइनस टू वाई आ जाएगा, और डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, यानी वेरिएबल सेपरेट कर लिए स्टूडेंट्स। तो e की पावर माइनस टू वाई ऊपर जाके e की पावर टू वाई डी वाई, और यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करें, तो इंटीग्रेट बोथ साइड किया स्टूडेंट्स, e की पावर टू वाई का e की पावर टू वाई अपॉन टू, और ये एक्स ही तीन का एक्स ही चार बटे चार प्लस सी। फाइव वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू वाई की पावर फोर है। तो वाई डैश का मतलब क्या स्टूडेंट, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू वाई की पावर फोर। तो स्टूडेंट वाई की पावर फोर यानी वेरिएबल सेपरेट करें, तो फाइव डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई की पावर फोर डी एक्स।
तो वाई की पावर 4 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो फाइव वाई की पावर 4 डिवाइड में आएगा वाई की पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो ये फाइव तो कॉन्स्टेंट है, वाई की पावर माइनस 4 ऊपर जाके डी वाई, और यहाँ पे ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट्स। तो फाइव वाई की पावर माइनस 4 का वाई की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 3, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। 31st क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले ये माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वेयर उस साइड में चला गया सारा फैक्टर। तो अब स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेट, डी एक्स को सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब वाई स्क्वेयर वाले नीचे आ जाएंगे, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इंटीग्रेट वो साइड करें, तो यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स प्लस सी। तो दिस इज आर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं लीनियर नहीं है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन x, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो 2y डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो डी वाई अपॉन y आ गया डिवाइड में, और इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x, और ये डी एक्स ऊपर चला गया, और इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो 1 बाई वाई का log y, और ये माइनस 2 1 बाई एक्स का log x, प्लस ये कॉन्स्टेंट भी लॉग में लॉग सी, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा प्लस लॉग सी। स्टूडेंट्स लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन एक्स की पावर माइनस 2 इंटू सी, तो कंपेयर करें तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2 इंटू सी, तो वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू सी, तो सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई। अब उसने कहा वाई वाई वन इज इक्वल टू 1, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू 1 रखे वाई की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर इंटू 1, तो सी की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे इसमें पुट करते हैं 1 में, एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स सीकेंट वाई दे रखा है, डी वाई टू डी एक्स सीकेंट वाई, गिवन दैट वाई 0 इज इक्वल टू 0, तो डी वाई अपॉन सीकेंट वाई आ जाएगा स्टूडेंट्स, और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो सीकेंट वाई ऊपर जाके कोस वाई डी वाई, और यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेट बोथ साइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो कोस वाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन साइन वाई, कोस वाई का साइन वाई इक्वल टू डी एक्स का एक्स प्लस सी। अब उसने कहा वाई 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 को वाई की वैल्यू 0, साइन 0 प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो साइन 0 0 सी इज इक्वल टू 0 आ गया, और सी की वैल्यू 0 यहाँ रखें तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, तो साइन वाई कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स के इक्वल आया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 34th क्वेश्चन, उसने कहा है 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई, तो डी वाई की साइड में एक्स की साइड में एक्स वाले, डी एक्स की साइड में एक्स वाले, और डी वाई की साइड में वाई वाले, तो डी एक्स अपोन ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर, डी एक्स अपोन ये एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा, और डी वाई अपोन 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस, तो 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, और इज इक्वल टू माइनस ये 1 अपोन 1 प्लस वाई स्क्वेयर का टेन इनवर्स वाई, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड प्लस सी, और वाई वन इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1, तो देखिए स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 1 रखे लॉग 1 इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस सी, तो लॉग 1 0 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 पे प्लस सी, तो सी की वैल्यू आई पाई बाई 4, तो यहाँ पे रखते हैं पुट इन 1, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस 1। 35th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच सब्स्टिट्यूशन कैन वी मेक टू सोल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म,
इस तरह की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम किस तरह का सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। तो जब ये एक्स अपॉन वाई की फॉर्म है तो पुट करते हैं हम इसमें इस तरह की में पुट एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं क्योंकि एक्स अपॉन वाई की फॉर्म है ये। उसे क्या वेरीफाई वेदर एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स किस तरह की आ गई, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई एंड एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, अब लैम्डा कॉमन ले लेते हैं दोनों से, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे भी लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे ये डी वाई बटे डी एक्स कैसा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी लैम्डा की पावर जीरो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लैम्डा की जो डिग्री है वो क्या आ गई हमारे पास, लैम्डा की जो डिग्री है वो जीरो आ गई। इट मीन्स दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिस इज डिफरेंश होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर यहाँ पे लैम्डा की पावर जीरो आ जाती है तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेम डिग्री। यानी अब यहाँ पे स्टूडेंट वेरीफाई वेदर दिस इक्वेशन इज ए होमोजीनियस, ये 37th क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वेरीफाई करना है। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो डी एक्स वाले सभी एक साइड में करो, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस का वाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स डी एक्स कॉमन आ गया तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा कॉमन होकर के उस साइड से, तो उस साइड में बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो अगेन पुट वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई एंड एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्स स्क्वेयर यानी लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऊपर से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लिया अंदर से स्क्वेयर रूट से, तो अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस लैम्डा वाई, और इसका स्क्वेयर रूट है स्टूडेंट्स इज इक्वल अपॉन लैम्डा एक्स। तो लैम्डा स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट लैम्डा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट रह गया प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो स्टूडेंट्स लैम्डा कॉमन ले लिया ऊपर से, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अपॉन नीचे से लैम्डा एक्स, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। इट मीन्स ये यानी लैम्डा की पावर जीरो हो गया हमारे पास, और ये सारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो अगर लैम्डा की पावर जीरो हो गया इट मीन्स दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, क्योंकि ऊपर और नीचे पावर सेम होनी चाहिए यहाँ पे भी, यानी वन वन डिग्री में है, यानी वन है एक्स वाई की पावर वन है, और इनका जब स्क्वेयर रूट करेंगे डिग्री का तो वो हमारे पास वन आ जाएगा और नीचे भी, तो यानी सेम डिग्री की हमारे पास क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो इसके लिए हमसे क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं डी वाई टू डी एक्स से, तो वाई अपॉन एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल। तो पी क्या है स्टूडेंट, कंपेयर इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद किसके साथ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो पी कितना है स्टूडेंट माइनस वन बाई एक्स है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन, तो यानी ई की पावर में माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो यानी ई की पावर में माइनस वन बाई एक्स इंटीग्रेट लॉग एक्स, तो यानी ई की पावर में लॉग ऑफ एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगा, एन लॉग एम है ये, लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम, तो ई की पावर लॉग वन हो गया तो वन बाई एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन आ गया, एक्स की पावर माइनस वन मीन्स वन बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है वन बाई एक्स। राइट द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करें वन प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड में ले जाते हैं, टू एक्स वाई माइनस कोट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वेयर, उस साइड आके माइनस का हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या करें डी एक्स को ऊपर ले जाएं,
तो यहाँ पे 2xy-cot y इज इक्वल टू -1+y² इंटू डी एक्स ऊपर चला जाएगा और डी वाई नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको इस साइड में लेके आते हैं, तो 1+y² dx/dy और ये +2xy है और ये कोट वाई उस साइड के प्लस का कोट वाई। अब 1+y² से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो dx/dy +2x/1+y² 2y/1+y² इंटू एक्स इसके डिवाइड में भी और यहाँ कोट वाई अपॉन 1+y². अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद किसके साथ कंपेयर करें, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्या के साथ, तो पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y/1+y². तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e की पावर में पी का इंटीग्रेशन 2y/1+y² का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास e की पावर में ऊपर डेट इंजे फंक्शन लॉग ऑफ 1+y² और e की पावर लॉग 1, तो ये बन गया 1+y² हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर। और स्टूडेंट राइट द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंस लिखो, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना अगेन इसमें स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स, पहले सबसे पहले रूट एक्स से डिवाइड करें, तो वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -2√x/√x। तो कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर इट विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हुँ? तो पी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/√x। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर में पी यानी 1/√x का इंटीग्रेशन। तो 1/√x का कैसे होगा स्टूडेंट्स, एक्स की पावर -1/2 करके और इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की पावर -1/2+1 1/2 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला गया। अब स्टूडेंट्स यानी ई की पावर में 2√x इसका आया इंटीग्रेशन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये किस तरह की फॉर्म है, डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इजिकल टू क्या हो, तो जनरल सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, इसका जनरल सॉल्यूशन वो आएगा स्टूडेंट्स वहाँ पे वाई इंटू पी वाई होता, तो वाई इंटू यहाँ पे एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ और जो आया उसका इंटीग्रेशन प्लस सी, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट होगा, वाई के विद रिस्पेक्ट होगा स्टूडेंट्स, यानी इंटीग्रेशन वेक्टर निकलेगा कैसे स्टूडेंट्स, एक्स इंटू इंटीग्रेशन वेक्टर यानी हम इंटीग्रेशन वेक्टर ई की पावर में यानी पी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, क्योंकि ये एक्स में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये क्या वन इंटू इंटीग्रेशन वेक्टर आएगा ई की पावर में पी वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई और जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन प्लस सी। तो दिस इज अ सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।